हेलो तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कैमरा फोन के बारे में, जो कि आपको 7000 के नीचे की रेंज में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही हम इनका कंपैरिजन करेंगे, उनको नंबर 3 साथ डिवाइड करके आपको बताएंगे कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। चलिए तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको Xiaomi Redmi 7 देखने को मिलने वाला है। मेन कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। सिंगल कैमरा देखने को दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा। अपेचर की बात करते हैं, 2.2 का अपेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बैक में आपको LED फ्लैश भी कैमरे के साथ देखने को मिल जाएगी। इमेज रिजोल्यूशन की बात करें, 4000x3000 पिक्सल का आपको इमेज रिजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। शूटिंग मोड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कंटिन्यू शूटिंग, HDR और ब्रश मोड देखने को मिल जाएंगे। कैमरे फीचर की बात करें, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1920:1080 30fps, 1280:720 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका अपेचर f/2.2 आपको देखने को मिलेगा। और 4 पे जो आने वाला है वो Xiaomi Redmi 6 है, जिसका मेन कैमरा जो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। सिंगल कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। अपेचर की बात करते हैं, f/2.2 का आपको अपेचर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। LED फ्लैश आपको मिल जाएगी। इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो 4128:3096 पिक्सल इमेज रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। शूटिंग मोड की बात करें तो कंटिन्यू शूटिंग, HDR और ब्रश मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कैमरा फीचर्स की बात करें तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस के आपको कैमरा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1920:1080 30fps और 1280:720 30fps का आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका अपेचर f/2.2 आपको देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1920:1080 30fps का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा फ्रंट कैमरे में। नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आने वाला है आपका Xiaomi Redmi 8A, जिसका 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसका अपेचर f/1.8 है। यहाँ पे आपको सेंसर की बात करें तो XMOD RS CMOS सेंसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी और 4000x3000 पिक्सल की इमेज रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर अगर शूटिंग मोड की बात करें, कंटिन्यू शूटिंग, हाई HDR आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कैमरे फीचर्स की बात करें तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1920:1080 30fps और 1280:720 30fps का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है, जिसका फिजिकल अपेचर f/2.0 आपको देखने को मिलने वाला है। तो की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर Realme C2 आता है, जिसका बैक कैमरा जो है मेन कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे डुअल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका अपेचर f/2.2 आपको देखने को मिलेगा। सेंसर की बात करें तो CMOS इमेज सेंसर आपको मिल जाएगा, ऑटो फोकस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, LED फ्लैश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इमेज रिजोल्यूशन की बात करें तो 4128:3096 पिक्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सपोज कंपेंशन ISO कंट्रोल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। शूटिंग मोड की बात करते हैं, आपको वही कंटिन्यू शूटिंग और HDR का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वही कैमरा फीचर्स की बात करते हो, 2x डिजिटल जूम आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ऑटो फ्लैश आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और टच टू फोकस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो, 1920:1080 30fps का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे की बात करते हो, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। सेंसर की बात करते CMOS का आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा और अपेचर की बात करते हैं, f/2.0 का अपेचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिक्स टू फोकस कैमरा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो, 1920:1080 30fps का आपको सपोर्ट इसमें देखने को मिलने वाला है। और एक पे जो आता है दोस्तों, वो आता है Xiaomi Redmi 7। अगर इसके फिजिकल नंबर की बात करते हो, आपको जो मेन कैमरा है वो 12+2 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। 12+2 मेगापिक्सल का जो आपको बैक कैमरा देखने को मिलने वाला है, उसके अगर अपेचर की बात करते हो, f/2.2 का अपेचर आपको देखने को मिलने वाला है। LED फ्लैश यहाँ पर आपको दिख जाएगी। वहीं पर आपको जो इमेज रिजोल्यूशन है वो 4000x3000 पिक्सल का देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको शूटिंग मोड की बात करते रहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू शूटिंग, साथ ही HDR का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैमरे फीचर्स की बात करते हो, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन और टच टू फोकस जैसे आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1920:1080 30fps का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर 1280:720 30fps का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका अपेचर f/2.0 है। वहीं पर आपको स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें फ्रंट कैमरे से, तो 1920:1080 30fps का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा।